हम लोगों ने वो स्टार्ट किया था, उसमें मेरे साथ कुछ और ऑपरेटर दोस्त भी थे, शहरी था, कामरान था, अकबर था, ठीक है, जुफ्ता के जो है अदील वो थे। तो हमने स्टार्ट किया, हमने चलाया, हमने 3 साल अच्छे से बेचा। इस साल जो उसका हाल हुआ है वो भी बड़ा अजीब था, जिस तरह से लोग बेच रहे हैं कपल कह के और फिर उसको क्लाइंट को तंग कर रहे हैं। तो हमारी हमने इस साल फिर उसे चेंज किया, मैंने कामरान ने और शहरी ने, मुझे 6 डेज पे ले गए, हमने इस पूरा ऑफ सीजन में 6 डेज ओनली कपल किया, ठीक है। तो मैंने इस मार्केट में ये सीखा कि यार अगर आपने काम करना है और आपने चलना है तो मार्केट जो है ना डे बाई डे ख़राब हो जाए। हमने बड़ी ट्राई की स्टार्ट में आते साथ कि यार जो ऑपरेटर नए आ रहे हैं वो रेट को थोड़ा बेहतर रखें, ठीक है, लेकिन जितनी भी ट्राई कर ली ना, लोग हर कोई आता है अपनी मर्जी से लगाता है और हम किसी को मना भी नहीं कर सकते। तो हमें नज़र आया कि यार अगर इस मार्केट में चलना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, हमें बाकियों से कुछ अलग देना पड़ेगा। जो मार्केट में आपने भी देखा होगा कि लोग ग्रुप टूर में खास तौर पे डिलक्स प्रीमियम एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज लाए हैं, फर्स्ट टाइम ये मैंने अपने पेज पे लगाई थी। फिर मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे अदील जो है जुफ्ता वाले, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, हम दोनों ने मिल के लगाया, हमने प्रमोट किया। पहले 2019-20 में हमने इसे चलाया, फिर वो चलती गई, अब तो ये नॉर्मल ओनली कपल में फिर बाद में हम लाए, अभी 4-4 कैटेगरीज होती हैं हमारी, ठीक है। तो इस साल भी हमने कुछ और ही प्लान किया हुआ है, हमने हमजा 6 डेज कर दिया, ठीक है, हमने जो है वो मैंने लास्ट ईयर कर दो स्टोर बेचा है 60,000 पर हेड पे, हमजा 6 डेज स्टोर बेचा, और मैंने पिछले पूरे साल में कुछ खास कमाया नहीं है, एक ही फोकस था कि यार क्लाइंट बनाना, ठीक है। तो उसी वजह से मैंने 6 डेज ओनली कपल भी किया, ठीक है। और इस साल अभी ये है कि हम जो प्लान मैंने लास्ट ईयर लगाए थे जो कि नए थे मार्केट में, वो अभी कुछ और दोस्त हैं, ठीक है, कामरान लगा रहा है, अदील फिर से, अदील से मेरा थोड़ा सा सर्विसेज से इख्तलाफ रहता है, लेकिन वो भी मेरे साथ लगा रहे हैं वही प्रीमियम प्लान, उस्मान भाई ग्रीन टूर वाले लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे स्टार्ट ही होते हैं 40,000 पर हेड, 48,000 पर हेड, ठीक है, ताकि हम कुछ अलग करते रहें। एक टाइम आएगा कि वो चीज़ें भी चलेंगी, ठीक है, क्योंकि यार मुझे ये होता है कि हमने जितनी कोशिश की है, मुझे कल भी अब्दुल्ला भाई बता रहे थे गाड़ी में कि यार हम लोग ये यूनियन जो बना रहे हैं, एक टाइम आएगा कि हम इसमें जो है ना ऐसा करेंगे कि मतलब रेट्स सबको बता देंगे कि इससे कम किसी ने नहीं रखना। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन यार ये पॉसिबल नहीं है। आप जब रेट कम रखते हैं ना तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होती कि जहाँ पे कोई मुश्किल टाइम आ गया ट्रिप में तो आप उसको कवर कर सकें, आपके पास तो बजट ही नहीं है, आप कहाँ से करेंगे। अगर आपके पास बजट होगा तो आप लोग अपने पल्ले से भी पैसे लगेंगे ना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लाइंट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस ट्रिप में हम लोग आए हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप बने हैं, हर कोई कह रहा था ये करना है, कोई कह रहा था ये करना है, कोई कह रहा था ये करना है। हमारा जो क्लाइंट होता है ना वो भी इसी तरह सोचता है कि हमने यार वो हमें पैसे दे के आया, ठीक है। तो क्लाइंट अगर हम ये कहेंगे ना कि क्लाइंट गलत है, क्लाइंट कभी गलत नहीं होता, क्लाइंट हमारा जो है ना वो गलत नहीं होता। ऐसा कोई आपके पास 100 में से 2-4 लोग आ जाएंगे जो साइको होंगे, ठीक है, जो गलत बात कर देंगे, नहीं तो क्लाइंट जब बात करता है ना तो वो गलत नहीं करता, ठीक है, आपकी गलतियाँ होती हैं जो आप उनके सामने रखते हैं, पैसे बचाने होते हैं और चीज़ें होती हैं, आपने मैनेज सही नहीं किया होता, तो आपने उन्हीं चीज़ों से सीखना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है और दोबारा वो नहीं करना, ठीक है। तो ये शॉर्ट सी थी यार जो मैं इसमें बता सका हूँ, और बाकी कामरान भाई कुछ ऐड कर देंगे।